हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ब्लेंडर में कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस बनाना सिखाऊंगा ब्लेंडर के अंदर। आप लोग अगर ढूंढ रहे हो कोई ऐसा ट्यूटोरियल तो आज आप सही वीडियो देख रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के, ताकि कोई भी एनिमेटेड वीडियो जो मैं बनाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोग उसे सीख सकें। दूसरा दोस्तों कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए आइए ब्लेंडर में कोरोना वायरस बनाना सीख लेते हैं। ब्लेंडर में कोरोना वायरस बनाना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मैं आपको आज सारे स्टेप्स बताऊंगा कैसे कोरोना वायरस बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो अपना क्यूब है इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद शिफ्ट ए दबा के आप मेस में जाके आइको स्फेयर ये क्लिक करिएगा और स्फेयर ले लीजिए। ये स्फेयर आपको लेना है। ये लेने के बाद अगला काम आपका होता है, यहाँ पे जाके आप मॉडिफायर पे क्लिक कीजिए और एड मॉडिफायर पे सब डिवीजन सरफेस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे व्यू पोर्ट का वैल्यू करीब 3 के आसपास रखना है। देखो कुछ ऐसा आपका दिख जाएगा ये, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। इसके बाद इसको कर दीजिएगा अप्लाई। ये अप्लाई होने के बाद अगला काम जो आपको करना है, आपको दबाना है, एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड आप टैब से भी दबा सकते हो और यहां से भी क्लिक कर सकते हो, तो ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स सेलेक्टेड है, लेकिन हमको सेलेक्ट करना है ये फेसेस, एज भी नहीं, फेसेस। ये फेस पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इसके किसी भी फेस पे को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं रैंडम सेलेक्ट करना है तो कैसे करें, उसके लिए एक मैं ऑप्शन है स्पेस बार दबाइए। अगर आप में स्पेस बार दबाने से ये सर्च का ऑप्शन नहीं आता है तो आप एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा की मैप पे, और यहाँ पे स्पेस बार एक्शन पे जो है यहाँ पे आपका प्ले पे क्लिक होगा पक्का, तो उसको हटा के आपको सर्च पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद जब भी आप स्पेस बार दबाओगे आपको ऐसा कुछ सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सर्च करना है SELECT सेलेक्ट रैंडम, ये वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया। यहाँ सेलेक्ट के बाद आप देख सकते हो कि इसने रैंडमली कुछ फेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ इसकी देखो प्रॉपर्टी है जिसमें 50% दिया हुआ है इसने। अगर इसको ऊपर नीचे करते हो तो आप देख सकते हो कि फेसेस सिलेक्शन कम या ज्यादा हो रहा है। मैं बिल्कुल कम फेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं कुछ 4-5% पे रख दूंगा, ठीक है। चलो मैंने इसको रख दिया करीब, चलो 5% पे रखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 5। ये 5% पे सेलेक्ट हो गया, तो ये फेसेस अब 5% पे हमारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगला काम आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना है बाहर, ठीक है। ये करने के बाद अगला एक बार और इस पे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रूड इंडिविजुअल करके थोड़ा सा इसको और कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जब S दबा के इसको बड़ा करोगे तो आप देखो ये पूरा का पूरा बड़ा होता है, लेकिन मुझे वो सिलेक्टेड फेसेस ही बड़े करने हैं, तो यहाँ क्लिक करना है, इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे जाना है। अब S दबा के जब करोगे तो आप देखो क्या बन रहा है, ओह माय गॉड। तो आप समझ रहे हो कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये थोड़ा बड़ा करके ही इसको हम रखेंगे, ठीक है, ओवरलैप कर देते हैं, तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। इसके बनने के बाद आप फिर से एडिट मोड से हटके आप नॉर्मल अपने ऑब्जेक्ट मोड पे जाओगे और ऐसा कुछ आपको दिखेगा। फिर से आपको एड मॉडिफायर पे जाना है और सब डिवीजन सरफेस पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप से बन गया। यहाँ पे वो व्यू पोर्ट को आप थोड़ा सा 2-3 जो भी आप कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो अब इसको करना है अप्लाई, तो ये आपका एक वायरसी स्ट्रक्चर बन गया है आपके जो कोरोना वायरस का। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इस पे अपन को क्या करना है, थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक लुक देना है इस पे, तो इसको ज्यादा ऑर्गेनिक बनाने के लिए मेडिकल जैसे आप टीवी सब पे देखते हो उस तरीके के बनाने के लिए फिर से एड मॉडिफायर पे करते हैं, और इस बार हम ये डिस्प्लेस पे करते हैं, डिस्प्लेस मॉडिफायर को यूज करते हैं, कुछ इस टाइप से बनता है। इसके बाद आप यहाँ पे न्यू करो,
अभी न्यू करने के बाद आप यहाँ पे टेक्सचर टैब पे जाओ और यहाँ पे जो है आप लोग इमेज में यहाँ पे क्लाउड्स, ये क्लाउड्स लेने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी साइज थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। अभी आप मॉडिफायर में फिर से जाओ और स्ट्रेंथ को डाउन कर दो, इसको हम 0.1 करते हैं। अभी आप देखो अभी वायरस की तरह बन गया, ठीक है। इसको करने के बाद इसको थोड़ा सा आप स्मूथ भी कर दो, शेड स्मूथ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, अब देख सकते हो थोड़ा सा वायरसी लुक और थोड़ा सा ऑर्गेनिक लुक हो गया इसका। अब आपको जैसे कि आप ऑनलाइन टीवी में और मेडिकल जो आपका हॉस्पिटल्स वगैरह पे एक जिस तरीके से कलर दिखता है वायरस का, तो उस टाइप के कलर डालते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेडिंग पे जाना है। अगर यहाँ शेडिंग नहीं दिखता है तो आप प्लस में जाके यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे तो शेडिंग आ जाएगा। तो ये हम शेडिंग दबाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि लैपटॉप थोड़ा स्लो है। तो शेडिंग आ गया, तो ये आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ आपका ये आ गया शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया मटेरियल करेंगे ऐड, तो यहाँ पे मटेरियल टैब में जाओ और यहाँ पे क्लिक करो न्यू। इस सरफेस को आप ग्लासी में डाल दो, ये ठीक है। अभी ग्लासी हो गया, अभी ये आपका दिख रहा होगा कुछ ऐसा कुछ, ये आपका शेडिंग्स हैं, डिफरेंट नोड सेलेक्टेड हैं। तो इसी पे अभी हमको काम करना है। अभी आप देख सकते हो कि ये वायरस थोड़े से ग्लॉसी टाइप से लग रहा है, ठीक है। अभी इस पे और काम करते हैं थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ा सा लाइट दिखे, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट ए दबाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं emission, ठीक है। emission हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने यहाँ रख देते हैं कहीं ऊपर टॉप पे और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और एक अब और मिक्स शेडर हमको चाहिए, मिक्स शेडर, तो ये मिक्स शेडर हमने ले लिया। तो अभी हम इमिशन को यहाँ ड्रैग करते हैं और इसको हम यहाँ ड्रैग करते हैं और इसको हम यहाँ ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लुक दिखेगा आपको और हम इसकी इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख लो। तो कुछ ठीक है, हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एक बार ये होने के बाद हम इन तीनों बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी दबाएंगे। तो कंट्रोल जी दबाना था, मैं शिफ्ट जी दबा दिया। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी दबाएंगे तो ये आपको एक ग्रुप का बन जाएगा। इसमें ग्रुपिंग करना है हमको, तो इस ग्रुप में हम ये कलर्स को ड्रैग कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से कलर को ड्रैग कर दिया और इस रफनेस बॉक्स को भी हमने ड्रैग कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जितने भी चीज हमने किए थे ये एक ग्रुप में आ गया। अब इससे आप बाहर जाओगे तो यहाँ से क्लिक करो और आप बाहर जा सकते हो इस ग्रुप से। तो आप देख सकते हो नोड ग्रुप करके, मतलब हमने मल्टीपल जो सेलेक्ट किया था वो सिंगल ग्रुप में बन के आ गया। अभी हम एक अभी इस पे काम करते हैं फिर से। अभी हम एक क्लिक सेलेक्ट करते हैं, सॉरी अभी हम एक शिफ्ट ए दबाया और हमने यहाँ पे सर्च किया लेयर, ये लेयर वेट, ठीक है, ये सेलेक्ट किया और इसको यहाँ डाल दिया। और एक हम कलर रैंप नोड भी हम कर लेते हैं नया, शिफ्ट ए सर्च और COL कलर रैम, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये दो चीज ले लिया क्योंकि अपन को कलरिंग भर करना है ना इसका, थोड़ा सा अच्छा वाला कलर करेंगे। अब जैसे जैसे मैं इसको एड जोड़ता जा रहा हूं आप इसको जोड़ते जाओ सबको और वैल्यूज को चेंज करते जाओ, ठीक है। तो अभी हमने ये कर दिया, अब इस कलर को हमने सरफेस से कर देना है। अब जब ये काम हो जाएगा तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया यहां से। अब अगर आप ये करते हो तो आपको दिखेगा कि हमने क्या किया, देखो कलर चेंज हो रहा है इसका, करेक्ट। तो ये वायरस का आउटलाइन के लिए था ये ब्लैक वाला, ठीक है, आप देख सकते हो। और अगर कलर चेंज करना है वायरस का तो वायरस का कलर यहां से इससे आप चेंज कर सकते हो यहां क्लिक करके। तो हम कुछ क्या बोलते हैं आप, ये सही लग रहा है मुझे, तो ये मस्त लग रहा है ना,
कोई भी कलर आप डाल सकते हो आपके हिसाब से। एक और इमिशन शेडर हम ऐड करेंगे, तो शिफ्ट ए दबाएंगे और यहां पे करेंगे इमिशन, सर्च इमिशन, और इसको यहां रखते हैं और इसका कलर प्रॉपर्टी को इसके कलर से हम मैच करते हैं और इसके इमिशन को शेडर से इससे करते हैं। अब आप देखो कि अपने पास एक ग्लोइंग कूल लुकिंग कोरोना वायरस का दिख रहा है आपको, करेक्ट। अब चाहो तो थोड़ा सा इसको और हार्शर बना सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा पसंद है, ऐसा ऐसा कुछ बना सकते हो आप। एक और मिक्स शेडर नोड ऐड करते हैं, शिफ्ट ए पे मिक्स शेडर, अभी इसमें क्या करते हैं कि जो ये ग्रुप है इसको ऊपर वाले शेडर पे डाल देते हैं और जो मिशन है इमिशन इमिशन को नीचे वाले पे, तो इमिशन को हम यहाँ नीचे वाले पे जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आप डालो, ठीक है। तो एक बार जब आपको लगे कि आपका ये हो गया है, आपका बन गया है, कलरिंग सही हो गया है, तो आप यहां से हटके, शेडिंग से हटके लेआउट में जाइए। लेआउट में जाके आप यहाँ पे ये क्लिक कीजिए, ये आपका मटेरियल का, तो आपको ये जो भी आपने कलरिंग की है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम सीन बनाते हैं। सीन करने के लिए आप शिफ्ट डी दबाइए और इसको थोड़ा कहीं साइड में ले जाइए और ले जाके इसको थोड़ा सा आप इसको जो आपका मटेरियल है उसको रोटेट कर सकते हैं, आर दबा के आप थोड़ा सा उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट डी, और इसको यहाँ पे आपने ले लिया और इसको भी आपने अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप शिफ्ट डी दबा के एक और ले सकते हो, उसको थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोग बनाओ अगर कुछ किसी सीन में फिट कर सकते हो और आप लोग बना सकते हो कोई कुछ कुछ अच्छा वीडियो तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के, और बस इस वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। दोस्तों बाय बाय।